हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सर के यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, फाइनली रेडमी ने अपना एक धमाकेदार बजट किलर स्मार्टफोन जो है लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है यहाँ पर शाओमी रेडमी 10। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन आ चुके हैं, प्राइस पॉइंट आ चुके हैं, जो प्राइस पॉइंट पे लॉन्च होना लिटरली मार्केट में आग लगाने वाला है। तो सारी चीजों के बारे में बताने वाला हूं, तो कर देना वीडियो को लाइक। वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हूं 3000 लाइक्स का, आई होप क्या पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं गाइस, ये अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है। इंडिया लॉन्च को लेके भी यहाँ पर बहुत सारी चीजें निकल के आई है, तो मैं एंड में आपको चल के बताऊंगा। साथ में अभी के लिए यहाँ पर ये ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च करा गया है, मलेशिया कंट्री में भी यहाँ पर इसे लॉन्च करा गया है। चलिए फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करें आपको कंप्लीट स्पेसिफिकेशन या बोल सकते हो धमाकेदार स्पेक्स यहाँ पर बता देता हूँ। बिल्ड और डिजाइन की अगर हम बात करें तो बैक में यहाँ पर आपको पॉलीकार्बोनेट बैक के साथ में मैट फिनिश वाला डिजाइन देखने को मिलता है। दिखने में बजट के हिसाब से फोन का डिजाइन जो है काफी जबरदस्त है। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो यहां पर अगेन आपको 6.5 इंच का एक सेंटर पंच होल के साथ में 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला एक आईपीएस डिस्प्ले मिलेगा, फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ में। कॉर्निंग की गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी यहां पर आपको देखने को मिलने वाला है। रैम एंड रोम की अगर हम बात करें तो ये तीन वेरिएंट में लॉन्च करा गया है। 464 बेस वेरिएंट है, फिर 4128 है, फिर 6128 है। ट्रिपल कार्ड स्लॉट यहां पर आपको देखने को मिलता है, ईएमएमसी स्टोरेज यहां पर आपको देखने को मिलता है, एज वेल एज LPDDR4X वाला रैम टाइप यहां पर देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो मीडियाटेक का बजट सेगमेंट में लेटेस्ट चिपसेट के साथ में यहां पर ये लॉन्च हुआ है। यहां पर आपको मीडियाटेक का हीलियो G88 का चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि 12nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। आप इसे हीलियो G85 का स्लाइड अपग्रेड यहां पर कह सकते हो, एंड 4G चिपसेट है। तो परफॉर्मेंस बजट 10-11,000 रुपए की रेंज में काफी तगड़ी परफॉर्मेंस यहां पर ये आपको प्रोवाइड कराने वाला है। कैमरास की अगर हम बात करें तो काफी इंटरेस्टिंग सा यहां पर आपको सेटअप देखने को मिलता है। बैक में यहां पर आपको क्वाड कैमरे का सेटअप मिल जाता है। जो प्राइमरी सेंसर है वो आपको 50 मेगापिक्सल का मिलता है, सैमसंग का सेंसर है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। सेल्फी कैमरा यहां पर आपको 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। विश का 13 मेगापिक्सल रहता तो और बढ़िया यहां पर हो सकता था। एंड्रॉइड वर्जन एंड यूआई की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स आपका एंड्रॉइड 11 देखने को मिल जाता है। MIUI 12.5 पे यहां पर आउट ऑफ द बॉक्स यहां पर ये रन करेगा। सेंसर्स की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको कंप्लीट सेंसर यहां पर देखने को मिलते हैं, इंक्लूडिंग साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक का फीचर, 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट मिलता है। एंड सबसे बड़ी बात, इतना बजट में होते हुए भी यहां पर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि काफी बढ़िया बात है। हर एक मैन्युफैक्चरर को जो है 10,000 के ऊपर मेरे हिसाब से डुअल स्टीरियो स्पीकर देना चाहिए। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो यहां पर अगेन आपको 5000 एमएच की बैटरी मिलती है टाइप सी पोर्ट के साथ में। एंड बॉक्स में आपको 22.5 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा, लेकिन डिवाइस जो है आपका 18 वाट की फास्ट चार्जिंग को यहां पर ये सपोर्ट करता है। तो ये पूरे कंप्लीट स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिलते हैं यहां पर Redmi 10 स्मार्टफोन के। अब प्राइस पॉइंट की अगर हम बात करें तो प्राइस पॉइंट धमाकेदार, प्राइस पॉइंट की वजह से ये स्मार्टफोन इतने अच्छा यहां पर ये लग रहा है। ग्लोबल प्राइस पॉइंट की अगर हम बात करें तो अराउंड $179 का लॉन्च हुआ है। इंडियन प्राइस पॉइंट में कन्वर्ट करूं तो अराउंड 13,000 रुपीस बैठता है। लेकिन मलेशिया प्राइस पॉइंट की अगर हम बात करें तो 649 मलेशियन रिंगेट में यहां पर ये लॉन्च हुआ है। इंडियन प्राइस पॉइंट में अगर मैं कन्वर्ट करता हूं तो अराउंड ये 11,000 रुपए के आसपास बैठता है। एंड ग्लोबल प्राइस पॉइंट हम सभी को पता है थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है। मलेशिया के प्राइस पॉइंट के आसपास ही जो आपको इंडियन मार्केट्स में भी इसका प्राइस पॉइंट देखने को मिलेगा। तो इंडिया प्राइस पॉइंट की अगर हम बात करें तो 10,000 या मैक्स टू मैक्स जो आपको 11,000, उसके ऊपर बेस वेरिएंट नहीं जाने वाला है। तो 10-11,000 रुपए की रेंज में अगर आप देखते हो, धमाकेदार है, डिजाइन अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा है, डिस्प्ले अच्छा है, कैमरास अच्छे लग रहे हैं, बैटरी लाइफ अच्छी है, फास्ट चार्जिंग अच्छा है, सारी चीजें यहां पर अच्छी देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल यहां पर ये काफी धमाकेदार स्मार्टफोन रहेगा। अब बात कर लेते हैं यहां पर इसके इंडिया लॉन्च के बारे में, भाई इंडियन मार्केट्स में यहां पर ये स्मार्टफोन कब लॉन्च होगा। तो अभी तो ग्लोबल मार्केट्स मलेशिया में तो लॉन्च हो गया, और लीक्स की माने तो बताया जा रहा है इंडिया में ये अगस्त की लास्ट वीक या सितंबर की फर्स्ट या सेकंड वीक, मतलब अराउंड 25-20 डेज के अंदर ये स्मार्टफोन इंडियन मार्केट्स में भी आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपका 10-11,000 रुपए का बजट है तो डेफिनेटली ये स्मार्टफोन का इंडिया लॉन्च का वेट करना तो बनता है। अभी 20-25 दिन के अंदर ये स्मार्टफोन आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा। बस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना Redmi 10 स्मार्टफोन आपको कैसा लगा, एंड इंडिया में 10-11,000 रुपए की रेट में अगर ये लॉन्च होता है तो क्या आप ये स्मार्टफोन की तरफ जाओगे, वेट करोगे, नहीं करोगे। जो भी आपके ऑनेस्ट ओपिनियन है मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। आई होप कि हम सबको पसंद आई होगी, एंड कैसे अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।